गांधीनगर स्टेडियम भोपाल से। इन मुकाबलों के लिए जहां रेसलिंग में आज गोल्ड मेडल्स डिसाइड होने हैं, तकरीबन 45 सेकंड निकलने को हैं। न्यूट्रल पोजीशन में वापस जाइए, लेकिन नहीं, उससे पहले ही चुके ये दो पॉइंट्स मिल गए टेकडाउन के। और ये जबरदस्त गटरेंज, एक गटरेंज कामयाब, क्या दूसरा भी होगा, लेकिन डिफेंस कर लिया, रिवर्सल मिल गया, रिवर्सल के दो पॉइंट्स मुस्कान के खाते में चले गए और समृद्धि को मिल गए चार। एक बार फिर मुस्कान ने पकड़ बनाई है और ये कमाल कमाल कर दिया, दो पॉइंट्स और लेकर के आ गई ग्रैंड एम्पलीट्यूड के नजदीक का मामला, लेकिन कुछ सेकंड्स की वजह से उनकी पकड़ धीमी हुई कि चुस्ती फुर्ती में कोई कमी नहीं, दो पॉइंट्स और लेना चाहती थी, बिल्कुल नजदीक पहुंच गई थी, लेकिन अच्छा डिफेंस, बहुत बढ़िया डिफेंस किया यहां समृद्धि ने। तो समृद्धि जो है पूरी तरह से डिफेंस पोजीशन पर नजर आई है, अटैक पूरी तरह बना लिया था मुस्कान ने और टेक डाउन लगाने की कोशिश भी की थी, प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली है। फिलहाल समृद्धि जो है कंट्रोल्ड डिफेंस के साथ है, यहाँ रिवर्सल के लिए ताक लगाए हुए। बहुत ही बढ़िया दाव लगाया था, लेकिन हल्का सा उनका टर्न उन्हें बचा गया, ज्यादा पॉइंट्स नहीं देने पड़े। यहां दो पॉइंट्स और मिल गए मुस्कान को, लीड हो गई अब 8 पॉइंट्स की, वक्त बचा है 25 सेकंड का, तकरीबन गोल्ड मेडल मुस्कान के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पूरी तरह से डोमिनेट कर रही हैं और एक ड्राइवर सीट पे हम कह सकते हैं अगर मुस्कान है तो वो अटैक लगातार करने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। 14-6 और आखिरी 13 सेकंड बाकी हैं। 10 सेकंड्स और मुस्कान अभी भी ड्राइविंग सीट पर है इस मुकाबले में, गोल्ड बिल्कुल नजदीक, बहुत जबरदस्त पकड़ बनाई है, थोड़ी सी डिफेंसिव अप्रोच है उनका और इसके साथ ही लंबे विसल, मुकाबला समाप्त। मुस्कान ने गोल्ड मेडल जीता है यहां पर, हरियाणा के लिए एक और गोल्ड मेडल। किस तरह से लगातार हरियाणा की रेसलर्स, हरियाणा के एथलीट्स बेहतर कर रहे हैं और मुस्कान आप जानते हैं इससे पहले वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप रोम में 2022 में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और अब 46 केजी कैटेगरी का ये रिजल्ट गोल्ड मेडल का हरियाणा की मुस्कान ने जीता और ये फाइनल रिजल्ट है।